नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों के लिए साझा टॉपिक है। दोनों ही क्लास के बच्चे इसे सीख सकते हैं। क्योंकि पत्रकारी लेखन के बारे में हमने पिछले वीडियो में सीख लिया है, अब इसके विभिन्न रूप और प्रक्रिया जो एग्ज़ाम में बहुतायत आते हैं इसको हम सीखेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से आप इसको राइट डाउन भी कर लें। जो क्वेश्चन पिछले टॉपिकों में आ चुका है उसको छोड़ देना है, उसको लिखना नहीं है, क्योंकि बार बार हमने नहीं लिखना। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, अदरवाइज़ आप इसको समझ नहीं पाओगे। ये एक कड़ी दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आइए देखते हैं पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, क्वेश्चन है, समाचार कैसे लिखे जाते हैं? क्या समाचार लेखन की कोई विशेष शैली होती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जरूरी है कि अपनी पसंद के किसी भी अखबार में छपने वाली खबरों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें छपी अधिकांश खबरें एक खास शैली में लिखी गई हैं? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा गया है। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी गई है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं होता। तो इसमें देखिए दो शैलियां हैं, आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसको हम सीधा पिरामिड शैली या कथात्मक लेखन कहते हैं। दूसरा है उल्टा पिरामिड समाचार शैली। इसको देखो, हमने उल्टा पिरामिड शैली को तीन भागों में बांटा है, इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी और समापन, जैसा कि हमने पहले किया था। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है कि तब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। पिछले अध्याय में हमने समाचार लिखने की इस शैली के बारे में बताया। जैसा कि आपको पता है कि इसे समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, ये आपको लिखना है यहाँ से कि उल्टा पिरामिड शैली में किसी भी घटना या समस्या विचार का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को पहले सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जा गया है। उसके बाद पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना तथा जानकारी दी गई है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है तब तक समाचार समाप्त नहीं हो जाता। तो ये है आपकी उल्टा पिरामिड शैली। इसमें आपको इतना ही लिखना है, उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं। अब उल्टा पिरामिड शैली के जो तीनों पार्ट हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन, उसके बारे में अलग अलग से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसमें ये आ जाएगा। इंट्रो में लिखना चाहें तो ऊपर की बातें आप लिखें, बॉडी में बीच की बात लिखें और समापन में
अंत तक समाप्त नहीं हो जाता, तो इसे हम उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय एवं उपयोगी और बुनियादी शैली है। यहाँ तक लिखना है आपको। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली से के ठीक उल्टी है, जिसमें क्लाइमेक्स मैक्स बिल्कुल आखिर में आता है, उसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था सूचना यानी क्लाइमेक्स पिरामिड में के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उल्ट दिया जाता है यानी उल्टा कर दिया जाता है। हालांकि इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में से शुरू हो गया था, लेकिन इसका जो प्रयोग है या इसका विकास है अमेरिका में गृहयुद्ध के दौरान हुआ। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ के जरिए भेजनी पड़ती थी, जिसकी सेवाएं महंगी, अनियमित और दुर्लभ थी। कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाती, इसलिए संवाददाताओं को किसी घटना की खबर पहुंचानी खबर या कहानी की तरह विस्तार में लिखने की बजाय संक्षेप में लिखनी होती थी। इस तरह उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ और धीरे धीरे लेखन और संपादन के सुविधा के अनुसार यह शैली समाचार लेखन की मानक स्टैंडर्ड शैली बन गई। तो यहाँ तक उल्टा पिरामिड शैली के बारे में आपको लिखना है। अब आते हैं समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं, ये आपको क्वेश्चन डालना है। तो किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। इस क्या, किसके, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे को 6 ककारों के रूप में भी जाना जाता है। किसी घटना या समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों को ध्यान में रखा जाता है। समाचार के मुखड़े यानी इंट्रो यानी पहले पैराग्राफ की शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों का को आधार बना करके खबर लिखी जाती है। क्या, कौन, कब और कहाँ, जो ऊपर देख रहे हो आप, क्या, कौन, कब और कहाँ। इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 ककारों को कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। यानी जो इंट्रो आपका भाग होता है उसमें 4 ककार आ जाते हैं और 2 का जो है प्रयोग नीचे किया जाता है। इस तरह से 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इनमें से सबसे पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों में विवरणात्मक या व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। ये हो गया भाई ककारों के बारे में। उपरोक्त समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखड़े इंट्रो में 4 ककारों क्या, कौन, कब और कहां, ये डबल है भाई, तो ककारों के बारे में यहीं तक आपको लिखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन पहले आया भी था, फीचर क्या है। यदि आपने लिख लिया है तो इसको नहीं लिखेंगे, नहीं लिखा है तो आप इसको लिख लेंगे। अखबारों में समाचारों के अलावा भी अन्य कई तरह की का पत्रकारी लेखन छपता है, इसमें फीचर प्रमुख है।
समाचार और फीचर के बीच अंतर स्पष्ट होता है, स्पष्ट अंतर होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। तो फीचर क्या है? तो फीचर एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उसका मनोरंजन करना होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तात्कालीन घटना से अवगत नहीं कराता। फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, यानी समाचार लिखते हुए रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। यानी इसमें समाचार और फीचर में जो अंतर होता है भाई, वो अंतर भी दर्शा दिया गया है। दूसरा, फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, यानी फीचर लेखन का कोई एक तय ढांचा या फार्मूला नहीं होता है। फीचर लेखन की शैली काफ़ी हद तक कथात्मक शैली की तरह है। तीसरे, फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। फीचर की भाषा में समाचारों की सपाट बयानी नहीं चलती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि फीचर की भाषा और शैली को अलंकारिक और दुरूह बना दिया जाए। चौथे, फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। अखबारों और पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर के 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना जरूरी है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, हल्के फुल्के विषयों से लेकर के गंभीर और मुद्दों तक पर भी फीचर लिखा जा सकता है। जैसे आप अपने स्कूल पर एक परिचयात्मक फीचर लिखने से लेकर उसके सालाना समारोह या शैक्षिक यात्रा स्टडी टूर पर भी केंद्रित फीचर लिख सकते हैं। दरअसल फीचर एक तरह का ट्रीटमेंट है जो आमतौर पर विषय और मुद्दों की ज़रूरत के मुताबिक उसे प्रस्तुत करते हुए दिया जाता है। यही कारण है कि समाचार और फीचर अलग अलग होने के बावजूद कुछ समाचारों को फीचर शैली में लिखा जा सकता है। तो ये था आपका फीचर। जिसने फीचर नहीं लिखा था वो फीचर को भी राइट डाउन कर लें। लेकिन हर समाचार को फीचर शैली में नहीं लिखा जाता। फीचर शैली का इस्तेमाल हल्के फुल्के, नरम और मानवीय रुचि के संचारों को लिखते हुए पोस्ट किया जाता है। आइए अब देखते हैं फीचर कैसे लिखें, फीचर को कैसे लिखते हैं। अगला प्रश्न हम डाल सकते हैं, फीचर लिखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय के लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी ज़रूरी है। दूसरे, कहानी को उनके ज़रिए कहने की कोशिश कीजिए, यानी पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने लेकर के आइए। तीसरे, कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक यह महसूस करें कि वे खुद देख और सुन रहे थे। चौथे, फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए। तो देखिए, आपको मैं एक फीचर दिखाता हूँ जिसको लिखना नहीं है, केवल मैं आपको दिखा रहा हूँ अखबार में कैसे इस तरह के फीचर होते हैं। जैसे लेखिका ने ये फीचर लिख रखा है,
ये एक व्यक्ति चित्र फीचर है। 13 नवंबर 2005 को ये अखबार में छपा हुआ है। इसमें अपनी व्यक्तिगत राय है, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यदि मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाऊं तो इसका मुद्दा क्या है, तो ये इस तरह से आपका होता है फीचर। तात्पर्य यह है कि फीचर को किसी बैठक या सभा की कार्रवाई विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। साथ ही फीचर कोई नीरस शोध रिपोर्ट भी नहीं है, वह बड़ी घटनाओं, कार्यक्रमों और आयोजनों की सूखी और बेजान रिपोर्ट भी नहीं है। फीचर आमतौर पर तथ्य और सूचनाओं को लेकर के लिखे जाते हैं। अब आएगा अगला, विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं। यदि पीछे आपने राइट डाउन कर लिया है तो इसको भी नहीं लिखना है। अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट प्रकाशित होती है। ऐसी रिपोर्टों को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषणात्मक के जरिए उनके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। विशेष रिपोर्ट के कई प्रकार होते हैं भाई। खोजी रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट बोलते हैं इसको, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। विशेष रिपोर्ट रिपोर्टों से कुछ अलग प्रकार की है। खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए सूचनाएं तथा तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं होते हैं। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। अगला है इन डेप्थ रिपोर्ट। तो भाई इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। इसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। इसी तरह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में जोर किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या से होता है, जबकि विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। आमतौर पर विभिन्न प्रकार के विशेष रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है, लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्टों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट सामान्य समाचारों की तुलना में बड़ी और विस्तृत होती हैं। इसलिए पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए उल्टा पिरामिड शैली और फीचर दोनों ही शैलियों को मिलाकर के इस्तेमाल किया जाता है। बहुत रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में छापा जाता है। विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए। तो एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत है भाई, देखिए। बिरहोरों का विलुप्त होता संसार, ये अक्खू बिरहोर की विधवा पतियों और घास फूस से बनी अपनी कुंभाया झोपड़ी के बगल में चुपचाप बैठी है। बिरहोर बस्ती पलामू जिले के बालूप मठ बालक में स्थित जब हर गांव के बिल्कुल बाहर है। ये है ना भाई, बिरहोर एक कबीला जाति है। जब हर के लोग, जिसमें कुछ ने जिला मुख्यालय डाल्टनगंज के शानदार बंगला देखा है, इन कुंभों को एयर कंडीशन कहते हैं। वे ऐसा क्यों कहते हैं, यह हमें उस समय पता चला जब छोटा नागपुर में से आने वाली ठंडी हवाएं इन झोपड़ों से होकर गुजरती हैं।
ठंड से हमारी हड्डियां कांप गई। बिरहोर भी उसी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाई समूह के हैं जिनमें हों संथाल या मुंडा जनजाति के लोग आते हैं, वे जंगल के लोग होते हैं। तो इस तरह से ये लिखा जाता है आपका विशेष। अगला आता है भाई संपादकीय लेखन। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना या समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। संपादकीय किसी विशेष व्यक्ति का विचार नहीं होता है, इसलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता। संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों पर होता है। आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादक संपादकीय लिखते हैं। कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिख सकता। हिंदी के अखबारों में कुछ में तीन, कुछ में दो, कुछ में केवल एक ही संपादकीय प्रकाशित होता है। संपादकीय का एक उदाहरण है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मूल्यांकन का दायरा, ये एक संपादकीय है। अगले विद्यालय शिक्षा सत्र से विद्यार्थियों के सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। इसमें पाठ्यपुस्तकों का बोझ और परीक्षा का तनाव कम करने का सरकार का मकसद किसी हद तक पूरा हो सकता है। इस प्रक्रिया को अपनाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान NCVT प्रशिक्षण परिषद का है कथा। फिलहाल लिखित और प्रायोगिक परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकन का प्रावधान है, जबकि विद्यालय में रहते हुए विद्यार्थी की सक्रियता और पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं होती। वह खेल कूद संगीत भाषण वाद विवाद जैसी अनेक रचनात्मक गतिविधियों में भी शरीक होता है। इस तरह से संपादकीय लिखा जाता है। अगला है भाई विचारपरक लेखन, लेख टिप्पणी और संपादकीय। तो अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचारपरक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। कई अखबारों की पहचान उनके वैचारिक रुझान से होती है। एक तरह से अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन ने से उस अखबार की छवि बनती है। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख और टिप्पणियां इसी विचारात्मक विचारपरक पत्रकारी लेखन की श्रेणी में आते हैं। इनके अलावा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ या वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ कॉलम भी विचारपरक लेखन के तहत आते हैं। इसके अलावा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों या वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ कॉलम और भी विचारपरक लेखन के तहत आते हैं। कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने आप ऐड यानी पृष्ठ पर भी विचारपरक लेख टिप्पणियां स्तंभ प्रकाशित होते हैं। इस तरह से स्तंभ लेखन भी विचारपरक लेखन का एक प्रमुख रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। इनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देख करके अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा भी दे देते हैं। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूरी छूट होती है। स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं। यही कारण है कि स्तंभ में लेखकों
ये देखिए इस तरह से बच्चों का स्वादिन बनाओ, इस तरह से स्तंभ लेखन होते हैं भाई। देखिए हम स्वतंत्र हैं, ये स्तंभ लेखन है इस तरह से। अगला है गतिविधियाँ। अपने स्थानीय अखबार में संपादक के नाम पत्र कॉलम के लिए 4 सप्ताहों तक हर सप्ताह अलग अलग विषयों पर एक एक पत्र भेजिए। पत्रों के शब्द संख्या 50 से 75 शब्दों के अधिक नहीं हों। पहले सप्ताह संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित किसी संपादकीय लेख में उठाए गए मुद्दे पर अपनी राय भेजिए। अगले सप्ताह अपने शहर की किसी सार्वजनिक समस्या पर पत्र भेजिए। तीसरे सप्ताह मोहल्ले की किसी समस्या पर पत्र भेजिए और आखिरी पत्र में अपने स्कूल से जुड़ी किसी समस्या का ब्यौरा देते हुए चिट्ठी भेजिए। समाचार पत्र में पत्र स्तंभ को ध्यान से पढ़िए, क्या उसमें आपका पत्र प्रकाशित हुआ है। तो ये होता है स्थानीय गतिविधियाँ, इसको लिखना नहीं है। ये अगला जो है इसको हम केवल पढ़ रहे हैं, संपादकीय पत्र जो है, संपादक के नाम पत्र, अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर और पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। सभी अखबारों में यह एक स्थायी स्तंभ होता है। यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न केवल सिर्फ मुद्दों पर ही अपनी राय व्यक्त करते हैं बल्कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं। एक तरह से यह स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। जरूरी नहीं कि अखबार पाठकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हो, और यह स्तंभ नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने और उन्हें हाथ मारने का भी अच्छा अवसर देता है। तो भाई लेखक के संपादक के नाम पर जाने और पसंद किए जाते हैं, यानी जो नाम जो पत्र जाते हैं जो पसंद किए जाते हैं, कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि अखबार के कारण उनके कारण भी पहचाने जाते हैं, लेकिन नए लेखकों को स्तंभ लेखन का मौका नहीं दिया जाता। आपने स्तंभ लेखन लिख लिया है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अगला जो है ना, साक्षात्कार और इंटरव्यू, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। आपने लिखा भी नहीं है, इसको ज़रूर लिखिएगा। समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का बहुत महत्व है। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के जरिए ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य तरह के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठा करते हैं। पत्रकारीय साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में यह फर्क होता है कि साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के सवाल पर पूछता है। साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास न केवल सिर्फ ज्ञान होना चाहिए बल्कि आपसे संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए ज़रूरी है कि आप जिस विषय पर और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात करने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी हो। दूसरे, आप साक्षात्कार से क्या निकालना चाहते हो इसके बारे में स्पष्ट रहना बहुत जरूरी है। आपको ये वे सवाल पूछने चाहिए जो किसी अखबार के आम पाठक के मन में हो सकते हैं। साक्षात्कार को किसी अगर रिकॉर्ड करना संभव हो तो उसे बेहतर है, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो साक्षात्कार के दौरान आप नोट्स लेते हैं, लेते रहें। साक्षात्कार को लिखते समय आप दो में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। आप एक साक्षात्कार को सवाल और फिर जवाब के रूप में लिख सकते हैं, फिर उसे एक आलेख के रूप में भी छाप सकते हैं, लिख सकते हैं।
तो विद्यार्थियों इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं लिखने थे, जो जो प्रश्न आपने पिछले अध्याय में नहीं लिखे हैं वो आप लिख लेंगे। जैसे आपने नहीं लिखा था उल्टा पिरामिड शैली है वो किसे कहते हैं और उल्टा पिरामिड शैली इंट्रोबॉडी मुखड़ा में किस तरह से प्रयोग होता है, तो आप तीनों इंट्रोबॉडी मुखड़ा को अलग अलग से लिख लेंगे। इसके पश्चात जो ककार हैं, ककार का हमने प्रयोग करना नहीं लिखा था, तो ककारों का जो प्रयोग है वो आपने कैसे किया वो आप लिख सकते हैं। और इसके बाद जो अंतिम आपका साक्षात्कार है या विशेष लेखन है, इनमें से चार या पांच क्वेश्चन बनेंगे, इनको आप अच्छे से राइट डाउन कर लें और अपने टॉपिक को पूरी तरह से तैयार कर लें। मिलेंगे हम आपके अगले नए लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।